हेलो एवरीवन आज हम अगेन पार्लियामेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं लास्ट वाले पार्ट में हमने मेनली जो है लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था इस वाले पार्ट में हम जो है राज्यसभा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ये सारे क्वेश्चन जो है या तो यू ने या फिर स्टेट पी में पूछे जा चुके हैं ये बहुत टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसलिए आपको ये वाला टॉपिक जो है बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है ओके बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि राज्यसभा में जो है यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं वो रिप्रेजेंट नहीं की जाती हैं यानी कि यूनियन टेरिटरी के लिए राज्यसभा में कोई भी सीट नहीं होती है सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट होता है तो वो आता है अंडर द परव्यू ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार पार्लियामेंट जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली ओके तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है बात करते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं फॉर फोर ईयर्स या फिर फॉर फाइव ईयर्स या फिर फॉर सिक्स ईयर्स या फिर या फिर फॉर टू ईयर्स ये क्वेश्चन जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा हुआ है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तो आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो राज्यसभा है वो डिसॉल्व किया जाता है वंस इन इयर्स या फिर वो डिसॉल्व किया जाता है एवरी फाइव पे या फिर राज्यसभा जो है वो डिसॉल्व किया जाता है एवरी सिक्स इयर्स पे या फिर राज्यसभा जो होता है वो वो जो है इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोलूशन यानी कि इसे डिजोल्व नहीं किया जा सकता है ओके ये क्वेश्चन जो है बिहार पब्लिक सर्वेश कमीशन ने पूछा हुआ है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तो अगेन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो राज्यसभा होता है उसके पास कोई पावर नहीं होता है कि वो मनी बिल को रिजेक्ट करे या फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट करे सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो राज्यसभा होता है इट कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो राज्यसभा होता है वो डिस्कस नहीं कर सकता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हो गया बजट तो ये वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो राज्यसभा है वो बजट को डिस्कस नहीं कर सकता है तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ओके ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है बात करते नेक्स्ट क्वेश्चन का तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली डिस्क्राइब करता है फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो फोर्थ शेड्यूल है वो लिस्ट डाउन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो फोर्थ शेड्यूल है इट कंटेन्स द लैंग्वेज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो फोर्थ शेड्यूल है वो प्रोविजन रखता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो फोर्थ शेड्यूल है ये एलोकेट करता है सीट्स को काउंसिल ऑफ स्टेट्स में यानी कि राज्यसभा में तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है करेक्टली डिस्क्राइब करता है 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ये क्वेश्चन अगेन यूपीएससी ने पूछा हुआ है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तो आपको बताना है कि जो चेयरमैन है आपके राज्यसभा के वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर इलेक्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है किसके काउंसिल ऑफ स्टेट्स के या फिर जो चेयरमैन है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द काउंसिल ओके तो आपको बताना है कि जो चेयरमैन है वो इनमें से किस तरीके से आते हैं ओके लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको बताना है कि मिनिमम एज क्या है फॉर द टू बी द कैंडिडेट ऑफ राज्यसभा ओके अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए टू बी ए कैंडिडेट काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा ट्वेंटी फाइव इयर्स या फिर थर्टी ईयर्स या फिर थर्टी फाइव ईयर्स या फिर ट्वेंटी वन ईयर्स अब हम बात करते हैं आंसर का तो देखिए आपको पता होगा कि यूनियन टेरेटरीज जो है वो राज्यसभा में रिप्रेजेंट की जाती हैं यूनियन टेरेटरीज के लिए सीट्स हैं राज्यसभा में है ना दिल्ली के लिए सीट है पुडुचेरी के लिए सीट है ये क्या है ये यूनियन टेरेटरीज ही है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो देखिए कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट है ना वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है जब भी कोई इलेक्शन पिटिशन को फाइल करेगा तो सुप्रीम मैटर को, मैटर को देखेगा ना कि कि आपका तो 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 ये भी statement गलत हो गया। गया की बात करते हैं, जो तो जो आप जब आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, तो आपके first में ही दिया गया है कि जो Parliament है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट लोकसभा तो एंड पार्लियामेंट इनका इन तीन पार्ट का बना होता है है ना? तो फिर पार्लियामेंट जो है बस लोकसभा एंड राज्यसभा नहीं है यहाँ पे प्रेसिडेंट भी है तो इसका आंसर क्या होगा क्योंकि ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया तो नन ऑफ दीज ओके बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तो आपको पता होगा कि जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो इलेक्ट किए जाते हैं सिक्स इयर्स के लिए है ना बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का अगेन तो देखिए जो राज्यसभा है वो डिसॉल्व नहीं होता है इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन हर दो मही दो साल पे जो है one third जो मेंबर हैं वो क्या होते हैं वो हट जाते हैं एंड अगेन री इलेक्शन होता है एंड मेंबर्स जो है वो चुने जाते हैं है ना तो राज्यसभा जो है वो परमानेंट है ये इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होता है टू रिजेक्ट और टू अमेंडमेंट मनी बिल एंड सेकेंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल सही है कि राज्यसभा जो है वो वोट नहीं कर सकता है डिमांड फॉर ग्रांट्स पे बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट का तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है क्यों क्योंकि राज्यसभा जो है इट कैन डिस्कस ओके इट कैन डिस्कस द बजट बट इट कैन नॉट वोट ओके बट इट कैन डिस्कस तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो इसका आंसर क्या होगा वन एंड टू ओके okay? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तो आपको पता होगा कि ये जो है एर्थ शेड्यूल की बात का, एर्थ शेड्यूल जो है वो इसकी बात करता है फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल जो है वो इसकी बात करता है है ना प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट का एलोकेशन है ना सीट्स जो राज्यसभा में एलोकेट की जाती हैं ये फोर्थ शेड्यूल बात करता है तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा आपका डी एंड ये वाला कौन से शेड्यूल की बात करता है तो वो है आपका सेवन शेड्यूल जो सेवंथ शेड्यूल है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करता है तो इसका आंसर क्या होगा डी ओके okay, बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का तो इसका आंसर आपको पता ही होगा कि जो चेयरमैन होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट के वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट है ना वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए लोकसभा के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या है 25 इयर्स एंड वहीं पे अगर हम बात करते हैं राज्यसभा का काउंसिल ऑफ स्टेट का तो वो है आपका 30 इयर्स ओके okay? तो इसका आंसर क्या होगा बी तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो so मच